सत्य केशवान बाबा तुलसी ने भी कहा, यहाँ माता मदालसा भी कहती है कि सत्य के समान धर्म नहीं है। कोई माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को धर्म कर्म में लगाएं। तत्पश्चात मैया और भी कुछ बताने लगी, कहा बाल काटना, दर्पण में मुंह देखना, दंत धावन, देव तर्पण, इन सब के लिए एक समय की आवश्यकता। इसके ऊपर तो एक श्लोक कल भी हम बोल गए थे, लिखा है कि ऋतुमती समय में नारी का जहाँ वस्त्र सूखता है, तपस्वी लोगों को ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। माताओं के वस्त्र सूखते हैं, उन वस्त्रों को साधक लोगों को नहीं देखने चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं, जहाँ पर टूटे बाल गिरे हैं वहाँ भोजन मत करो, जहाँ टूटे बाल गिरे हैं वहाँ बैठ के भजन मत करो। बड़ी सुंदर बात कही है, झूठे मुंह से मंदिर में मन जाओ और शमशान घाट में बैठकर कभी भी तपस्या मत करो। ये ऊट पटांग लोग होते हैं, ये वो सब करते रहते हैं। माता मदालसा ने कहा कि नेक आदमियों का, अच्छे लोगों का पुण्य समाप्त हो जाता है। कल एक बात बोला था, शायद आपको ध्यान हो, वो श्लोक मुझे यहाँ मिल गया, नग्नाम परिश्रियम नेक च न पश्येदात्मन सत्कृत उदक्या दर्शनम स्पर्शो वर्ज्य संभाषणम तथा। जो भी कोई पुरुष नग्न नारी को देखते हैं, हजार यज्ञ भी किए हों, तो पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाता है। ये माता मदालसा अपने भावी प्रवचन में कह रही है, उदक्या दर्शनम स्पर्शो वर्ज्यम संभाषणम तथा। वर्णित किया गया है कि ऐसी नारी के साथ में जिसके पास चरित्र नहीं, धर्म नहीं, भले व्यक्ति को ना उसका दर्शन करना चाहिए, ना छूना चाहिए, और संभाषणम, ना ऐसी स्त्री से कभी उसको वार्ता करनी चाहिए। अद्भुत वर्णन किया, कमाल किया। नाप समूत्रम पुरुषम बा निष्टिभम न समाचरेत। भले लोगों को चाहिए मलमूत्र का विसर्जन धरती पर बैठ करके करें, यानी कुल मिलाकर के यह पूरा का पूरा सदाचार धर्म का वर्णन किया। देखो अभी जो बात बोल गया था, रजो वस्त्राणि कानिचित, नारी को चाहिए ऋतुमती धर्म के समय पर उसको अपने वस्त्रों को ऐसी जगह पर छिपाना चाहिए जहाँ पर उन वस्त्रों के ऊपर किसी की निगाह ना पड़े। पितृदेव मनुष्याणाम भूतानाम च तथार्चनम, एक ग्रस्त को चाहिए मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, पितरों के लिए वह अपने घर में से आहुति जरूर निकाले, तभी कल्याण है। झूठे मुंह से कभी समयदार लोग कीर्तन न करें, झूठे मुंह से गुरुजनों के चरण न छुएं, और झूठे मुंह से कभी भी ग्रंथों को स्पर्श न करें, नहीं तो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। झूठे मुंह से ब्राह्मण, अग्नि, गैया, सूर्य, इन सब चीज़ों को छुआ नहीं जाता। सूर्य भगवान को अर्घ झूठे मुँह से नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों को चरण नहीं छुए जाते, अग्नि में आहुति झूठे मुंह से नहीं डाली जाती। इसमें तो लिखा है झूठे मुंह से गौ माता को भी स्पर्श नहीं किया जाता।